हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा फेसबुक पेज पे अपना वीडियो में थंबनेल कैसे लगाएं। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे फेसबुक पेज पे अपना थंबनेल कैसे लगाएं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए मोबाइल स्क्रीन पर वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको क्रोम एप्लीकेशन को ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद इस सर्च बार पर आपको सर्च करना होगा फेसबुक लॉगिन करके, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। फेसबुक लॉगिन करके सर्च कर ले। सर्च करने के बाद उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में, थ्री डॉट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके ऊपर जाना। ऊपर जाने के बाद उसके बाद एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको डेस्कटॉप साइड, इसको आपको ऑन कर लेना होगा, जो कि आप यहां देख सकते हैं। इसे ऑन कर ले, तो इस तरह से आप ऑन कर ले। मैं ऑन कर रखा था, फिर से मैं ऑन करके आपको दिखा दे रहा हूं। इस तरह से आप ऑन कर ले, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद लॉगिन कर ले। इसे लॉगिन करने के बाद इस तरह से सरफेस खुल के आ जाएगा। अब जिस भी पेज में अपना लगाना चाहते हैं थंबनेल, तो अपना पेज सेलेक्ट कर ले। तो पेज कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसको फिर से एक बार डेस्कटॉप मोड में आपको ऑन करना होगा। चलिए फिर से राइट हैंड साइड में थ्री डॉट दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर स्क्रॉल डाउन करके ऊपर जाना। ऊपर जाने के बाद एक ऑप्शन दिख रहा है नीचे में डेस्कटॉप साइड, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद फिर से डेस्कटॉप मोड में ऑन हो जाएगा। डेस्कटॉप मोड में ऑन होने के बाद उसके बाद अपना पेज सेलेक्ट कर ले। आप जिस भी पेज पर थंबनेल लगाना चाहते हैं उसका पेज सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं एक ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पर है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपका जितना भी पेज होगा वो खुल के आ जाएगा इस तरह से, यहाँ देख सकते हैं, जो कि यहाँ तीन पेज खुल के आ गया। आप किसी एक पेज को आप सेलेक्ट कर ले, जिस भी पेज में आप लगाना चाहते हैं। जैसे आपको देख सकते हैं यहाँ तीन पेज खुल गया। चलिए मैं फर्स्ट वाले पेज को आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट वाले पेज पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से सरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके ऊपर जाना होगा। तो इस तरह से आप ऊपर चल, ऊपर जाने के बाद आप जिस भी वीडियो में अपना थंबनेल लगाना चाहते हैं उस वीडियो को आप सेलेक्ट कर ले। जैसे मैं इस वीडियो में थंबनेल लगाना चाहता हूँ, इस वीडियो को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक राइट हैंड साइड में थ्री डॉट दिख रहा है, जो कि यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से सरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, स्क्रॉल डाउन करके ऊपर जाएगा, एक ऑप्शन दिख रहा है एडिट का, एडिट पोस्ट करके लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से सरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऊपर में, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा हो वीडियो ऑप्शन, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो ऑप्शन वाले पर आपको क्लिक कर देना, जो कि यहाँ पर है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से सरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में वीडियो टाइटल लिखा हुआ, उसके बाद एड टैग्स लिखा हुआ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन पर ऊपर जाएगा तो एक ऑप्शन आपको दिखेगा चेंज थंबनेल का, जो कि यहाँ पे है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे में एक ऑप्शन खुल के आ गया। आप स्क्रॉल डाउन करके ऊपर जाए, एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अपलोड इमेज का, जो कि सेकेंड ऑप्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं। इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से सरफेस खुल के आएगा। उसको स्क्रॉल डाउन के ऊपर जाना। ऊपर जाने के बाद एक ऑप्शन दिख रहा है अपलोड इमेज का, अब जो थंबनेल बनाए हैं यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से थंबनेल अपलोड कर दे, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा अपलोड इमेज पे। क्लिक करने के बाद अपना थंबनेल सेलेक्ट कर ले। जैसे मैं यहाँ थंबनेल बना रखा हूँ, यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ थंबनेल मैंने बना रखा हूँ गैलरी। तो चलिए मैं थंबनेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ देख सकते हैं इस तरह से सेलेक्ट हो गया। उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा नीचे में सेव का, जो कि उसके नीचे में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह। इस सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस तरह से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद आप यहां देख सकते हैं राइट हैंड साइड में सेव हो रहा है, आपका थंबनेल जो लगाए हैं वो सेव हो रहा है। इस तरह से सेव हो गया। उसके बाद एक और, उसके बाद आप देख सकते हैं थंबनेल आपका सेलेक्ट कर लिया गया है। उसके बाद इसको सेव करना होगा। सेव करने के लिए स्क्रॉल डाउन करके ऊपर जाना होगा। उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिखेगा नीचे में सेव का, जो कि यहाँ पर है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, जो कि यहाँ सेव का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करना होगा। वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से सेव हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे लग गया आपका थंबनेल जो लगाना चाहते थे, यहाँ लग गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।